इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। फैजान बशीरपन ट्रस्ट, न्यू गांधीनगर मुस्लिम जमात, गरीब नवाज फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से और फिर आजम नगर जमात की तरफ से चार लोगों की तरफ से टपाल के अंदर फाउंडेशन की तरफ से और एक रिक्वेस्ट है कि माहौल जो है पूरे हिंदुस्तान में, बेलगाम में भी जो माहौल है अभी थोड़ा गर्म है, कोरोना की वजह से लोग नहीं पहुंच रहे आपके पास, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि ज़्यादा से नहीं, ये तो कम है, बहुत ज़्यादा लोग आने वाले थे लेकिन आपके डायरेक्शन के ऊपर आप ही बोले कि ज़्यादा लोगों को नहीं लाना, इसलिए थोड़े कम लोग आए। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि FIR दर्ज होना, जो आदमी गुनाह किया है उसका FIR दर्ज होना, अगर FIR दर्ज नहीं हुआ तो लोगों में ये बात होगी कि बाबा हमारे जब कोई धर्म गुरु को कुछ बोलता है, कोई संत और साधु को कोई कुछ बोलता है तो FIR दर्ज नहीं होता, तो अब आपस में दूसरे लोगों के लिए ऐसा कैसा होगा? तो फिर कानून एक आदमी के लिए अलग, एक आदमी के लिए अलग नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में ये मैसेज होना कि लोग किसी भी धर्म के क्यों ना हो, अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ FIR होना ज़रूरी है। ये आपके पास जो है एक उम्मीद लेके आए हैं, आप लोग आए, आपको नाराज़ है, आपको इसके लिए एक्शन लेने के, सही तरीके से हम बड़े ऑफिसर के साथ बात करके हम बिल्कुल एक्शन लेंगे। कानून में ये धर्म आदमी बोलो तो गलत है, वो धर्म का उसके लिए गुरु को बोले तो ये है करके ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, गलत गलत है, कौन सा धर्म को रहता भी गलत गलत है, कानून के हिसाब से जो करने का है बिल्कुल हम एक्शन लेंगे। अमीश देवगन ने जो अभी हमारे ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये सारे मुसलमान बल्कि हिंदुस्तान के हर मज़हब वालों को दिल दुखाने वाली बात है। बस हमारी ये दरख्वास्त है कि ऐसे न्यूज़ वालों को बैन कर दिया जाए जो किसी मज़हब को तकलीफ़ पहुँचाएँ या किसी मज़हब के रहनुमा को तकलीफ़ पहुँचाएँ। ये सिर्फ हमारी दरख्वास्त सिर्फ मुसलमानों के रहनुमाओं को तकलीफ़ पहुँचाने की बात नहीं है, अगर किसी पंडित के बारे में भी अगर ये बात कहें तो उसके लिए भी हमारी दरख्वास्त है ऐसे न्यूज़ चैनलों को बैन कर देना चाहिए। यह हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, इसमें हर मज़हब वाले की कदर और अजमत है, और खुसूसी तौर से हमारे बुज़ुर्ग औलिया अल्लाह जो इस सरज़मीन को जो रौनक बख्शे हैं, आप देख रहे हैं सारी दुनिया के लोग जब भी उनके जुलूस होता है या जब भी उनके जश्न मनाया जाता है उसमें शरीक होते हैं अजमत के तौर पे, उसमें हर मज़हब वाला आता है, हिंदू भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, मुसलमान सब शरीक होते हैं और उसमें सब शरीक हो के उसको इज़्ज़त बख्शते हैं। इसलिए हमारी यह दरख्वास्त है कि इस तरह के न्यूज़ चैनल वाले जो गड़बड़ कर रहे हैं मुसलमानों के बारे में, उलमा के बारे में, औलिया अल्लाह के बारे में और हर मज़हब के रहनुमाओं के बारे में, ऐसे चैनलों को बैन कर देना चाहिए। ये हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से और हम जो कंप्लेंट पेश कर रहे हैं इसको इसी निस्बत से पेश कर रहे हैं, और हम तमाम रहनुमा हमारे शहर के, बेलगाम के और इसी तरह पूरे हमारे मुसलमानों की तरफ से ये हम कंप्लेंट पेश कर रहे हैं, हुकूमत से दरख्वास्त है हमारे कंप्लेंट कबूल करें और ऐसे चैनलों को बैन कर देना चाहिए जो हमारे बुज़ुर्गों की नाकदरी करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज हम सब मुख्तलिफ जमातों, तंजीमों और ट्रस्टों के ज़िम्मेदारान यहाँ पर इकट्ठा हैं, एक अजीम मकसद लेकर हम यहाँ पर इकट्ठा हैं। इसकी वजह यह है कि आज से दो दिन पहले 16 जून शाम 7 बजे के डिबेट में न्यूज़ 18 के एक एंकर जिसका नाम अमीश देवगन है, उसने अपने डिबेट के अंदर एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में जिसे दुनिया सुल्तानुल हिंद कहती है, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती के नाम से याद करती है और जिनकी मुकद्दस बारगाह आज हज़ारों साल गुजर जाने के बावजूद भी हिंदुस्तान के अंदर अमन, भाईचारगी, इत्तेफाक़ो इत्तेहाद, अमन शांति का एक गहवारा और मीनारा नूर है, जहाँ पर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, हर मज़हब, हर धर्म, हर सोसाइटी और ज़ाती के लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ हाज़िरी देते हैं।
हिंदुस्तान की एक रिवायत रही है कि चाहे हुकूमत किसी की भी रही हो, किसी पार्टी की भी रही हो, हमेशा बरसर इख्तदार पार्टी और हिज्ब मुखालिफ सब के सब उस बारगाह में हाजिरी देने को अपनी सआदत और फख्र महसूस करती आई है। उस दरीदा जहन एंकर ने सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज की शान में वो बदतमीज़ी की, वो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, वो गुस्ताखी और तौहीन किए कि जिन लफ्ज़ों को, जिन जुमलों को हम अपनी ज़बान से अदा करना भी यकीनन सूए अदब और बेअदबी समझते हैं। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, हमने पुलिस कमिश्नर बेलगाम, एसीपी बेलगाम के पास हमने बाज़ाब्ता लेटर्स दिए हैं और इस बात का डिमांड और मुतालबा किया है कि उस दरीदा एंकर के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता एफआईआर दर्ज किया जाए और उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, यही हमारा डिमांड और मुतालबा है। शिबान ट्रस्ट रजिस्टर्ड बेलगाम, गरीब नवाज़ फाउंडेशन ट्रस्ट, हजरत शाह बदरुद्दीन अहले सुन्नत वल जमात न्यू गांधी नगर बेलगाम और ज़करिया मस्जिद आज़म नगर की जानिब से न्यूज़ एंकर 18 का जलील एंकर अमीश देवगन के ख़िलाफ़ आज बेलगाम कमिश्नर ऑफिस में एफआईआर दर्ज करने के लिए ये तमाम तंजीमें जमातें इकट्ठा हुई हैं। और थोड़ी ही देर पहले सीमा मैडम, सीमा लाटकर मैडम के पास हमने ये एफआईआर दर्ज करवाई और हुकूमत हिंद से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारा ये मुतालबा है कि उस जलील एंकर को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा हो और न्यूज़ 18 पर कानूनी कार्रवाई हो। इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज़, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में उसने गुस्ताखी की है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसलमानों के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के रूहानी पेशवा हैं। तमाम मज़हब की अकीदत उनकी चौकट से लगी हुई है और उनकी शान में ज़रा बराबर भी बेअदबी, गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज यहाँ चार जमातों के लोग और 40 से 50 बेलगाम में रहने वाले पुलिस कमिश्नर ऑफिस आए हैं ताकि न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन के ख़िलाफ़ हम लोग एक एफआईआर करवाना चाहते हैं। और मार्केट पुलिस स्टेशन, माल मारुति पुलिस स्टेशन और एपीएमसी पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले चार इदारों ने कंप्लेंट दी है। अब वो कंप्लेंट जो है डीसीपी सीमा लाटकर मैडम को हमने दिया है, जहाँ से कंसर्न पुलिस स्टेशन जाएगी वहाँ पे हमें जाके ये कोशिश करके उनके खिलाफ़ एफआईआर करनी होगी। क्योंकि अगर एफआईआर हमने नहीं किया तो जैसे उसने हमारे बारे में कहा है, कोई और दूसरे कम्युनिटी के बारे में कहेगा और बेवजह एक इंसान की गलती की वजह से दो कम्युनिटीज़ में दुश्मनी इतनी बढ़ जाएगी कि इसको फिर पुलिस भी लॉ एंड ऑर्डर के तहत कंट्रोल नहीं कर सकती। इसीलिए अमन और भाईचारा आपस में रखने के लिए हम ये चाहते हैं कि उसके खिलाफ़ एक एफआईआर हो और हमारे मुस्लिम भाई या हिंदू भाई इसके आगे कोई आपस में रंजिश ना करे और झगड़ा ना करे। इसीलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जिसने भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की है उसके खिलाफ़ एक्शन ली जाए, उसके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हुए उसे हम गिरफ़्तार भी करके बेलगाम लाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम मानवी जमादार। हर बार जो है हमारे बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ जो है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ अक्सर जो है इनके शान में गुस्ताखी की जाती है। और जब भी ऐसी गुस्ताखी करते हैं लोग या एंकर, हम उनके ख़िलाफ़ जो है लीगल एक्शन हर बार लेते गए हैं। ख़ासकर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी हुई थी, इससे पहले हम लोगों ने डीसी साहब को मेमोरेंडम भी दिया था और कमिश्नर पास जाकर जो है ये एफआईआर दर्ज भी की थी। और हर एरिया में जो है अपने अपने स्टेशन के ज़रिए से जो है हमने वहाँ भी जो है एफआईआर दर्ज की, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई भी ऐसी गुस्ताखी करता है या सोशल मीडिया पर हमारे बड़े बुज़ुर्गों के बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या किसी बड़ी शख्सियत के ख़िलाफ़ जो है ऐसे साजिश के तौर पर कम्युनल वायलेंस के फैलाने के लिए जब भी कमेंट करते हैं या गलत अल्फाज कहते हैं,
हम जो है उनके खिलाफ़ FIR दर्ज करेंगे, DC साहब को मेमोरेंडम भी देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।